Hello everyone, welcome in NIOS with Richa Kataria. We are going to have a chapter which is theoretical, but yes, maybe your favorite because बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर अच्छा लगता है और ये एक ऐसा चैप्टर जो काफी सारे बच्चों ने कई बार छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ईजिएस्ट चैप्टर फॉर यू ऑल एज इसमें कोई थ्योरी, सिर्फ कंप्लीटली थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा टैली का, राइट? टैली एक सॉफ्टवेयर जब आप लोग सीखते हो तो उसमें किसकी अकाउंटिंग सीखते हो, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जिसमें से हम किसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो इसमें एकदम भी पेन मत लेना, रीजन बीइंग आप लोग फोन यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो यूज करते हो उसी यूसेज का हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो कंप्लीटली थ्योरी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो उसको हम मैनुअली ना लिख करके हम किस में लिखते जा रहे हैं, कंप्यूटर में। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आज अगर आप बच्चे, जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटराइज क्लासेस ले रहे हैं। रीजन भी पेंडेमिक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो ये सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे जैसे बिजनेस के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें जो रिकॉर्ड्स रखने में प्रॉब्लम हो रही थी मैन्युअली, हम लोगों ने पहले किसमें डेस्कटॉप पे काम किया, लैपटॉप पे गए, अब फ़ोन पे गए। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को उन ऐप में रख सकते हैं। जैसे आप देखते होगे आजकल एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कुछ बिल बुक करके ऐप आते हैं कि आपको क्या करना है, लिखना कुछ नहीं है, आपने ऐप में सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को लिख लेना है। तो मेनी टाइप्स ऑफ ऐप्स आर कमिंग नाउ अ डेज टू मेंटेन योर अकाउंटिंग सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में कंप्यूटर के रूप में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैनुअल मेथड ऑफ कीपिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स वाज फाउंड टू बी अनमैनेज्ड। लोग अपना नहीं कर पा रहे थे अपने हाथ से, तो उन्होंने क्या करा, चेंज कर दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कर दिया। और हम अकाउंटिंग तो करेंगे लेकिन कंप्यूटर के बैठ के करेंगे, दिस इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब क्यों करें, कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एक कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, एक कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डाटा करते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ी लग रही हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डिंग विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा। ये सिर्फ मशीन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कैन प्रोवाइड सोल्यूशंस टू ऑल कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन। आज अगर हम लोगों को दे दी, आप मेरे को बोल दो कि मैडम इतना इतना आपको कैलकुलेशंस करनी है, दैट विल टेक द टाइम, जबकि कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी ना, दिस इज द स्पीडी वर्क। अकाउंटिंग को मैनुअली ना करके कंप्यूटराइज मैनर में कर दिया हम लोगों ने, राइट। इट मे डिफाइन कंप्यूटर एज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इंटू इंफॉर्मेशन। हम लोग जो चीज़ें उसमें इनपुट के रूप में पुट करते हैं वो आउटपुट उसी के बेसिस पे आता है। एक चीज़ और, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो ऑब्वियसली क्या वो अपने दिमाग से सही तो देगा नहीं, जैसे इन्फॉर्मेशन हम मांगेंगे वैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, मतलब जैसा ही इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। कंप्यूटर सिंपल क्या है, एक मशीन है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीडी, या इट जस्ट रेदर स्पीड रेदर देन मैनुअल वर्क। मैनुअल से स्पीड कौन करेगी, मशीन काम करेगी, तो ये कैसा काम कर रहा है, स्पीड में काम कर रहा है। आपको पता है अगर आपसे लिमिटेशन पूछा जाता है तो लिमिटेशन से गो थ्रू ना हुए बिना आप लिमिटेशन लिख सकते हो कि मैनुअल पहले हमें बहुत सारे बंदों की ज़रूरत पड़ती थी उसी काम के लिए, हमने 10 बंदों के काम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक कंप्यूटर अकेला काम कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के रूप में पढ़ते हैं, पॉजिटिव मैनर में पढ़ते हैं, जी हाँ दिस इज़ द स्पीडी वर्क, लेकिन अगर हम इसको
अगेंस्ट में जाते हैं, लिमिटेशंस के रूप में पढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, इंक्रीजेस द अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन बीइंग, हमें पहले कितने लोगों की जरूरत पड़ी मैनुअल काम के लिए, लेकिन उसी मैनुअल काम को किसने कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटर ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जो 10 बंदे थे वो एक अकेला बंदा काम कर रहा है, तो 9 बंदे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो आप पढ़ लोगे, हाँ कंप्यूटर ये होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन इन डिटेल यू नीड टू नो हाउ इज इट इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। स्टोरेज डिवाइस स्टोर करके रख सकते हैं, वी कैन नॉट स्टोर ऑल द डाटा इन आर ब्रेन, सारी चीज़ों को रख लिया, आपने पूछा कट्टर से जवाब दीजिए, वी आर नॉट रोबोट। तो वहाँ पे क्या आप स्टोर करके रख सकते हो, 10 साल पुराना डाटा भी आप यूज कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे अगर वहाँ पे एक डिवाइस में गड़बड़ी आ गई, सारा डाटा उड़ जाना है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज देख कर चलो, राइट। कंप्यूटर हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वी नो दैट, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स हैव ह्यूज कैपेसिटी ऑफ स्टोर डाटा इन वेरी स्मॉल फिजिकल स्पेस, छोटा सा, अब तो लैपटॉप इतने छोटे छोटे हो गए, इतने छोटे से लैपटॉप में बहुत सारा डाटा हम भर के रख सकते हैं, जब हमें ज़रूरत है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों का फ़ोन, राइट, फ़ोन में हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अब जब वो ज़रूरी हो हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ रिड्यूसिंग आर लर्निंग कैपेसिटी। कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ी गूगल करके देख लिया, राइट। तो उस टाइम हमें ये रहता है कि हम गूगल करके देख लेंगे, पहले के टाइम पे लोग 10th पास आउट होते थे बट दे वर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज उनको पता था जो भी स्टोर करना है हमने यहाँ पे करना है। एक ह्यूमन नेचर होता है, जब हमें फैसिलिटी मिलती है तो हम उन्हीं फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं, राइट। आज हमारे पास फ़ोन है, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, अगर हम लोग से कोई पूछे आपकी मदर का नंबर आपको याद है तो हम लोग कहेंगे नहीं फ़ोन में फीड है, राइट, फीड है, ब्रेन में फीड नहीं है, फ़ोन में फीड है। तो दीज आर द थिंग्स, पहले हमने यहाँ फीड करा था अब हमने वहाँ फीड करना है, क्योंकि पता है हमें जब नीड होगी तो हमें वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो स्टोरेज कैपेसिटीज किसके पास है, कंप्यूटर के पास, मोर देन अस है, राइट। बट डोंट फॉरगेट इट, दिस इज मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो स्पीडी डाटा, या अगर कोई आपसे एग्जामिनेशन में आपको लिखने को आता है, स्टेट एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो आपने क्या करना है, स्पीड है या स्टोरेज ज़्यादा है इसकी, एक्यूरेट परफॉर्मेंस देता है, इंटेलिजेंस, वेसेबिलिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी क्या है उसकी, प्रोसेसिंग पावर, सारी आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, एक कंप्यूटर की, नॉट द कंप्यूटर अकाउंटिंग। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, नॉट कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़, माउस होता है हमारे पास, कीबोर्ड होता है, तो ये सारे क्या है, एक कॉम्पोनेंट है किसका, कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ मेजर कॉम्पोनेंट्स, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, डायग्रामेटिकल यूनिट, एंड दीज कॉम्पोनेंट मे बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज। सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क एंड द पेन ड्राइव एंड ऑल, इनपुट जो डालेंगे उसी के रूप में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। मैंने अभी पहले बताया इनपुट रॉन्ग है तो आउटपुट कभी सही हो ही नहीं सकता, 2+2 करना है हमें और हमने गलती से 40+2 कर दी, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 42 नॉट द 4। तो जो भी हम इनपुट देंगे आपको वही हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसी को इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखा है, पहला था इनपुट यूनिट, फर्स्ट क्या है, इनपुट की यूनिट, वो इनपुट यूनिट इधर आउटपुट, अब इसको हम लोग देखते हैं। इनपुट यूनिट इज कंट्रोलिंग द वेरियस इनपुट डिवाइसेस, नाम है इनपुट यूनिट, तो ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहा है क्या, इनपुट की डिवाइसेस को, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है सब कौन कंट्रोल कर रहा है, इनपुट यूनिट कंट्रोल कर रही है। विच आर यूज फॉर एंटरिंग डाटा, आप इनपुट दे रहे हो, एंटरिंग डाटा, हम डाटा देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। द मोस्टली यूज इनपुट डिवाइसेस आर, व्हाट आर दीज, अब ऐसा तो बोल नहीं दिया, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो व्हाट आर दीज, किससे अपनी इंफॉर्मेशन, कॉमन सेंस, किससे इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग, माउस यूज करेंगे, कीबोर्ड यूज करेंगे, तो दीज आर द, जिससे हम इंफॉर्मेशन देंगे, तो दीज आर द इनपुट डिवाइस, जो हमने इनपुट उसमें डालना है, राइट। अदर सच डिवाइसेस आर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, एंड सो ऑन, पेन ड्राइव एंड मेनी मोर। सीपीयू क्या है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरा ब्रेन का काम करता है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू है। द सीपीयू इज द कंट्रोल सेंटर फॉर द कंप्यूटर। इट गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड गवर्न्स। गाइड करता है, उसको गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसको गवर्न कर रहा है उसकी परफॉर्मेंसेस के लिए। कौन? सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे मेन चीज, ब्रेन नहीं काम करेगा, हाथ कहाँ जा रहा है पता नहीं, बोल क्या रहे हैं पता नहीं, तो मेन कौन है? ब्रेन है, राइट? दिस इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम, फोटोज, ग्राफिक्स एंड सो ऑन। कंट्रोल यूनिट, अब नाम है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करेगा किसी को, कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। बाइनरी सिस्टम, जीरो एंड वन। हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो एक लैंग्वेज को समझता है, किसको? बाइनरी, दैट इज जीरो एंड वन। मेमोरी यूनिट, नाम से ही साफ साफ हो रहा है कि मेमोरी यूनिट है, वो कंट्रोल करने की यूनिट है। दिस यूनिट स्टोर द डाटा बिफोर बीइंग एक्चुअली प्रोसेस्ड। The data so stored is accessed and processed according to the instructions. जैसा according to the instruction, जैसा हम उसको instruction देंगे वैसा। Arithmetic, obviously mathematical चीज़ें कहाँ जा रही हैं? Arithmetic unit में जा रही हैं। जो calculation की चीज़ें वो कहाँ जा रही हैं? Arithmetic unit में जा रही हैं। ये कैसा function perform करता है? Logical function करता है। Addition, subtraction, multiplication, ये सब कौन करेगा? Obviously arithmetic करेगी, ठीक है। आउटपुट क्या है? ये सारी चीजें हम लोगों ने जो दी उसे अब आउटपुट हमें मिलेगा। जितनी प्रोसेसिंग हुई है, इट इंश्योर्स द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द आउटपुट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आउटपुट पे, ठीक है। और हमें क्या होगी? डिस्प्ले होगी, प्रिंटर से हम डिस्प्ले करके, प्रिंट आउट करके देखते हैं, तो दिस इज द आउटपुट कि हमने जो भी उसमें इनपुट डाला कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और हमें आउटपुट के रूप में दे दिया, राइट? तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर ऑन योर कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, राइट? दीज वर रिटन इन योर कॉपी, रीजन बीइंग आपकी बुक में सारी चीजें गिवन है, एज इट इज आपकी बुक में सारी चीजें गिवन है। बट येस, गो थ्रू दैट, राइट? आता आपको भी है कंप्यूटर, एवरीबडी इज। आज अगर आप एप्लीकेशन में मुझे प्ले करके देख रहे हो, मे बी आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, मे बी आप लैपटॉप पे देख रहे हो, आप फोन में देख रहे हो, आई डोंट नो कहाँ पे आप हमें ऐप में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ पे भी हमें ऑपरेट कर रहे हो, सारा प्रोसेस किससे हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। जानते आप हो कंप्यूटर को, लेकिन आपको लिखना है कंप्यूटर के बारे में, तो जानना और लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको ये तो बहुत चैप्टर इजी है, आप जानते भी हो ये सब, आप लोगों को मे भी बहुत अच्छे से पता हो। एक बार आपको इसको पढ़ना है और पढ़ करके ट्राई टू राइट इट डाउन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कंप्यूटर से पूछ लिए जाएंगे, पूछा गया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप उसमें क्या थी नहीं, आपको पता है क्या क्या है, एक बार आपने पढ़ रखा है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे जैसे कंपोनेंट्स हैं, नेम आर डिफाइनिंग द सेम, राइट? मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम चैप्टर। सेम चैप्टर में हम सेम लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन जस्ट कीप सॉल्विंग एंड कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू सो मच।